हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे रीअरेंजमेंट के बारे में। अब ये रीअरेंजमेंट नाम से मालूम पड़ रहा है कि किसी चीज़ का फिर से अगर हम एक अरेंजमेंट करें उसको हम क्या बोलेंगे एज रीअरेंजमेंट। इंग्लिश का ये टॉपिक है, इंग्लिश लैंग्वेज जो आपका हाईएस्ट पार्ट आने वाला है सेक्शन नंबर 140 मार्क्स के लिए, उसका ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बात करें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो आपने अभी जस्ट वीडियो देखी जिसके अंदर आपको बताया गया अबाउट कंप्यूटर कोर्स, तो ये एक जेंटल रिमाइंडर है। अगर आपने अब तक परचेस नहीं किया है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए जल्दी से परचेस कीजिए बिकॉज बहुत जल्द इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। रीअरेंजमेंट क्या होता है, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ थियोरी पार्ट को टच करते हैं एंड देन हम जाते हैं MCQs की तरफ और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वैसे ही फिर से थियोरी के साथ स्टार्ट करेंगे। रीअरेंजमेंट इन इंग्लिश ग्रामर रेफर्स टू चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस और इवन सेंटेंसेस टू अचीव अ स्पेसिफिक इफेक्ट। द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस कैन बी रीअरेंज फॉर सेवरल रीजंस। फर्स्ट, रीअरेंजमेंट कैन इंप्रूव क्लैरिटी बाय मेकिंग द मैसेज ईजियर टू अंडरस्टैंड। सेकेंड, इट कैन बी यूज फॉर एम्फोसिस बाय हाईलाइटिंग स्पेसिफिक वर्ड्स और फ्रेजेस। फाइनली, द ऑर्डर यू चूज कैन इन्फ्लुएंस द रिदम एंड फ्लो ऑफ योर राइटिंग। तो रीअरेंजमेंट आपको तीन चीज़ों में किया जाता है। पहला चीज़ जो है वो है कि आप अपने मैसेज जो है, आप जो बोलना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, उसको एक क्लैरिटी के साथ दे सकते हैं, सामने वाला उसके इजीली समझ सकता है, इसीलिए रीअरेंजमेंट किया जाता है। सेकंड रीज़न हो सकता है कि आप किसी चीज़ को बहुत स्पेसिफिकली हाईलाइट करना चाहते हैं, इसीलिए आप रीअरेंजमेंट कर रहे हो। या फिर लास्ट ऑप्शन इसके लिए हो सकता है कि आप जब भी रीअरेंजमेंट करते हो तो आपका जो रिदम है, आपका जो फ्लो है लिखने का, कहने का, चीजें वो बदलती है। जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं उनके अलग एक इन्फ्लुएंस आता है, कोई वर्ड्स होते हैं जिनसे आप बताना चाहते हैं कि चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, कुछ वर्ड्स है जिससे आप बताना चाहते हैं कि चीजें कितनी मजेदार है। तो वो चीजें जब आपको बतानी हो, जब आपको कोई चीज का रिदम, किस चीज का फ्लो, किस चीज का इन्फ्लुएंस आपको अपने राइटिंग में लाना हो, तो आप रीअरेंजमेंट का यूज करते हो। अब यहाँ पे दो टाइप के रीअरेंजमेंट होते हैं, पहला है सेंटेंस बेस्ड, दूसरा है पैराग्राफ बेस्ड। सेंटेंस बेस में क्या होता है, दिस इन्वॉल्व शफलिंग द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस। तो एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उसका ऑर्डर आगे पीछे किया जाता है। दिस कैन बी डन फॉर एम्फोसिस, क्लैरिटी और स्टाइलिस्टिक रीजंस। तो ये किस लिए हो सकता है, पहला चीज तो अगर आपको कोई चीज पे एम्फोसिस करना है तो, किसी चीज पे आपको क्लैरिटी देना है तो, या फिर ऐसी स्टाइल के लिए, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए आप ये वर्ड्स के ऑर्डर को आगे पीछे कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस द सेंटेंस द डॉग चेस द कैट कैन बी रीअरेंज्ड एज द कैट वॉज चेस्ड बाय द डॉग टू एम्फसाइज द कैट्स एक्सपीरियंस। अब यहां पर देखो, सिंपल सा सेंटेंस थे कि द डॉग चेस्ड द कैट, यानी डॉग कैट के पीछे भाग रहा था। अब यहां पर आप देख सकते हो इसी को मैंने रिवर्स कर दिया, वही मीनिंग रखा लेकिन यहां पर क्या लिखा, द कैट वॉज चेस्ड बाय द डॉग। अभी यहां पर मेन लीड में कौन आ गया, कैट आ गया, कैट पे ज्यादा एम्फोसिस हो गया। तो ऐसे जब भी आपको कोई चीज पे एम्फोसाइज करना है, कोई चीज को ज्यादा हाईलाइट करना है, तो आप वर्ड्स को आगे पीछे करके रीअरेंजमेंट कर सकते हो। पैराग्राफ की जब बात करें तो दिस रेफर्स टू रीऑर्डरिंग एंटायर सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ। दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टू एंश्योर अ लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज एंड क्रिएट अ कोहेसिव टेक्स्ट। यानी कि पैराग्राफ के अंदर क्या हो जाता है, जैसे सेंटेंस में हम वर्ड्स को आगे पीछे कर देते हैं, पैराग्राफ में हम सेंटेंसेस को ही आगे पीछे कर देते हैं। रीजन बीइंग कि आपका जो फ्लो ऑफ आइडियाज है वो लॉजिकल लगे, अच्छा कि ये सेंटेंस के बाद ये, ये के बाद ये, ये के बाद ये, तो एक एक ही फ्लो में आइडिया जा रहा है, एक ही फ्लो में पूरा मैसेज जा रहा है और एक ओवरऑल कोहेसिव टेक्स्ट जनरेट हो सके, इसीलिए ये चीज की जाती है। अब ट्रिक्स क्या है, सबसे पहला तो मेन आइडिया क्या है पूरे पूरे पैराग्राफ का, पूरे पूरे सेंटेंस का, वो समझ लो। फिर ट्रांजिशन वर्ड्स के लिए ढूंढो, फिर कंटेक्चुअल क्लूज ढूंढो। ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होता है, जिसके थ्रू आप नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे कि आपने कुछ एक पूछा, फिर नेक्स्ट कुछ आया, मतलब कनेक्ट हो रहा है एक के बाद एक के बाद एक। जब भी अपन वीडियो एडिटिंग भी करते तो हम क्या करते हैं, एक वीडियो के बाद या दूसरा कुछ इमेज आ रहा है तो ये दोनों के बीच में हम एक इफेक्ट लगाते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट, जिससे आपको मालूम पड़ा अच्छा ये खत्म हुआ नेक्स्ट आया। वैसे ही जो भी वर्ड्स होते हैं, जो भी सेंटेंसेस होते हैं, वहां पे भी एक ट्रांजिशन होता है, यानी कि मालूम पड़ जाता है कि ये सेंटेंस के बाद नेक्स्ट आया, इसके बाद नेक्स्ट आया, वैसा। यूज कंटेक्सचुअल क्लूज। कंटेक्सचुअल क्लूज मतलब क्या, कुछ कुछ हिंट आपको दी रहे, इसको आपको पकड़ लेना है, समझ लेना है मीनिंग के जरिए कि अच्छा इसके बाद तो यही जाएगा। कंसिडर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। जैसे कि हम जब बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल अल्फाबेट्स की, तो अपने को मालूम है ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, तो ये क्रोनोलॉजी है।
उसके बाद जब भी अपन बात करें फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, अपने पता है कि कैसे होने वाला है, एक टीम बैटिंग करेगी तो सामने वाला बॉलिंग करेगा, फिर उसकी बैटिंग आएगी, फिर जो बैटिंग कर रहा है उसकी बॉलिंग आएगी, यानी कि हर एक को अपना एक पार्ट इसमें परफॉर्म करना है, इसी तरीके से मैच चलता है। तो इसी को हम बोलते हैं एज अ क्रोनोलॉजी। यूज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन वाली टेक्निक तो आपको हर एक जो भी टॉपिक आ रहे हैं, चाहे वो अरिथमेटिक और रीजनिंग वाला पार्ट हो, चाहे फिर वो वर्बल रीजनिंग हो, चाहे फिर वो इंग्लिश हो, चाहे कंप्यूटर्स हो, या फिर जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस हो, आपको हर चीज़ में एलिमिनेशन वाला पार्ट तो परफॉर्म करना ही करना है। और आखिरी में रिव्यू एंड रिवाइज, रिव्यू एंड रिवाइज यानी कि आपको चीज़ों को देखना है और ये प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। जितना क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व करोगे, जितनी बार ये प्रोसेस इसको यूज़ करते रहोगे, उतनी बार आपके चांसेस है कि आप कोड को क्रैक कर लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है यहाँ पे। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। द क्रिस्प माउंटेन एयर इनवाइग्रेटेड माई सेंसेस, स्टैंडिंग ऑन द पीक, द वर्ल्ड स्ट्रेच आउट बिफोर मी अ ब्रेथटेकिंग पनोरमा, आई हैड फाइनली कॉन्कर्ड द चैलेंजिंग क्लाइंब। तो ये है मेरे चार सेंटेंसेस, ए एक सेंटेंस है, बी एक सेंटेंस है, सी एक सेंटेंस है और डी एक सेंटेंस है। अब यहां पर जैसा कि मैंने बोला था, ट्रांसिशन, ट्रांसिशन आप देख सकते हो, कॉमा है कहीं पे, फुल स्टॉप है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉमा वाला चीज कहीं तो बीच में जाने वाला है, फुल स्टॉप है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जगह फुल स्टॉप है, ये दूसरी जगह फुल स्टॉप है, तीन सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ है, एक कॉमा के साथ है। आपको लॉजिकली चीजों को अरेंज करना है और फाइनल आंसर की तरफ बढ़ना है। तो आप पॉज करो, रीड करो वापस से क्वेश्चन और अपने माइंड में एक आंसर इसमें से चूज करके रखो कि क्या आपके हिसाब से क्या लग रहा है। मैं बढ़ता हूं आंसर की तरफ। तो यहां पे देख सकते हैं आंसर जो है वो क्या है, ए डी बी सी। तो सबसे पहले ए आएगा, ए क्या है, द क्रिस्प माउंटेन एयर इनविगोरेटेड माई सेंसेस। उसके बाद है डी, आई हैड फाइनली कॉन्कर्ड द चैलेंजिंग क्लाइंब। उसके बाद बी, स्टैंडिंग ऑन द पीक कॉमा, द वर्ल्ड स्ट्रेच आउट बिफोर मी इन अ ब्रेथ टेकिंग पनोरमा। तो ये एक लॉजिकल सेंटेंस हो गया। आप पढ़ो तो क्या जा रहा है कि माउंटेन की जो हवा है वो मेरे सेंसेस को छू करके जा रही है। उसके बाद क्या लिखा कि मैंने फाइनली माइंड ये जो चैलेंजिंग क्लाइंब थी वो कंप्लीट कर ली है, अब मैं पीक पे खड़ा हूँ और मुझे दुनिया मेरे सामने नजर आ रही है इन अ फॉर्म ऑफ अ पनोरमा अ सीनरी। तो ये पूरी चीज एक लॉजिकल वे में जा रही है, लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडिया फॉलो कर रही है, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको लॉजिकली इसको अरेंज करना है और आंसर सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, विथ ईच बाइट, फर्स्ट ए, द अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक कुकीज फिल्ड द किचन, विथ ईच बाइट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड फ्लडेड बैक, आई सेवर्ड द स्वीटनेस ऑफ द चॉकलेट चिप्स। तो यहाँ पे भी आप पॉज कीजिए, लॉजिकली अरेंज कीजिए और ये चार ऑप्शन में से अपना एक ऑप्शन सिलेक्ट करके रखिए। मैं बढ़ता हूं आंसर की तरफ। तो फर्स्ट जो है वो आएगा विथ ईच बाइट, फिर द अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक कुकीज फिल्ड द किचन, आई सेवर्ड द स्वीटनेस ऑफ द चॉकलेट चिप्स, और फिर आएगा सी, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड फ्लडेड बैक। यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है आंसर की कि स्टार्ट ही ए से हो, द अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक कुकीज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड फ्लडेड बैक। नहीं, ये पॉसिबल नहीं। ओके, सी ही अपना राइट आंसर होगा, बिकॉज अगर ए से स्टार्ट हो रहा हो तो फिर उसके साथ लॉजिकली ये पहले नहीं, ये पहले आना चाहिए। तो आपका फाइनल आंसर सी ही है, करेक्ट लॉजिकल वे यही है, बिकॉज बाकी जो भी दिए है ना वो तो बिल्कुल सेंस नहीं बना रहे। तो मोस्ट लॉजिकल आंसर इज सी, बी, ए, डी, सी वाला। कई बार आपको चेक करना पड़ेगा, हो सकता है आपके हिसाब से आंसर कुछ और होना चाहिए लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं है। तो आपको फिर जो ऑप्शन में है उसके बेसिस पे क्या लॉजिकली है वो आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या है, द वेव्स क्रैश्ड अगेंस्ट द शोर कैरिंग विद देम अ सेंस ऑफ काम एंड ट्रैंक्विलिटी, I close my eyes, letting the sound wash over me। तो यहाँ पे भी आपको चार दिए हैं sentences। रुकिए, देखिए क्या लग रहा है आपको, कौन सा पहले आ सकता है, कौन सा बाद में आ सकता है, and I'll show you the answer। यहाँ पे logically ही जाने वाला है, A, B, C, D is the right answer। जिस तरीके से लिखा है वही final answer। The waves crash against the shore,
caring with them a sense of calm and tranquility, I close my eyes, letting the sound wash over me. यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो waves है वो जब आप देखते हो कोई बीच पे जाते हो और waves जब टकराती है तो किस तरीके का नजारा होता है, ऐसा हो रहा है ना कि क्रैश हो रही है ना। उसके बाद उनके साथ क्या होता है, एक आवाज़ आती है, जब आप आँख बंद करके अगर वो आवाज़ सुनो तो आवाज़ आपको वैसे ही लगता है कि कोई चीज़ टकरा रहा है, फोर्स में आ रहा है और टकरा के वापस जा रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे लॉजिकल वे में बोला गया है, द वेव्स क्रैश्ड अगेंस्ट द शोर कैरिंग विद देम अ सेंस ऑफ काम एंड ट्रैंक्विलिटी, आई क्लोज माई आईज लेटिंग द साउंड वॉश ओवर मी। नेक्स्ट देखते, द सिटी स्ट्रीट्स बसल्ड विथ एक्टिविटी as people hurried to their destinations, car honked impatiently, adding to the cacophony of sounds. तो यहाँ पर क्या क्या बोला गया है, स्ट्रीट के बारे में बोला गया है जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, पीपल मतलब लोग अपने डेस्टिनेशन या जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं वहाँ पे जाने के लिए बहुत ही क्या बोलते हरी वे में जा रहे हैं, कार्स की नॉन स्टॉप हॉन्किंग की आवाज़ आ रही है, हॉर्न बजते रह रहे हैं और ये सब एक वेराइटी ऑफ साउंड जनरेट कर रहा है, नहीं लोगों के भीड़ भाड़ का साउंड, अलग अलग एक्टिविटीज जो चल रही है सिटी में उसका साउंड, गाड़ियों का साउंड, इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से अपने ऑप्शन चूज करके रखिए, मैं आपको आंसर की तरफ लेके चलता हूँ। तो स्टार्ट हो जाएगा अपना बी ए सी डी, एस पीपल हरी टू द डेस्टिनेशन, द सिटी स्ट्रीट बसल्ड विद द एक्टिविटी, कार्स हॉन्ग इम्पेशेंटली एडिंग टू द कोकोफनी ऑफ साउंड। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोग जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, सिटी में बहुत सारी एक्टिविटी है, गाड़ियाँ इम्पेशेंटली हॉर्न कर रही है और इससे कैकोफनी ऑफ साउंड क्रिएट हो रहा है। अब इसका एक आंसर ए बी सी डी भी हो सकता है, क्योंकि ये भी एक पैराग्राफ अच्छे फॉर्मेट में ए बी सी डी में भी अरेंज हो सकता है। कैसे देख सकते हो, सिटी स्ट्रीट बसल विद द एक्टिविटी, एज पीपल हरी टू द डेस्टिनेशन, कार हंग इम्पेशेंटली एडिंग टू द कैकोफनी ऑफ साउंड, इस तरीके से भी इसको अरेंज किया जा सकता है, ये भी लॉजिकली राइट ही है। तो यहाँ पर भी दो आंसर आपके हो रहे हैं, ऐसा एग्जाम में नहीं होगा, हो सकता है कि एक ही आंसर है, बट यहाँ पे दो हो रहे हैं तो मैंने दोनों ही आंसर आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, जिससे आपको पता चले एक वैरायटी आए, थॉट प्रोसेस आपका एक्टिवेट हो किस तरीके से आंसर्स किया जाता है। यहाँ पे मैं पर्पसली दो तो आंसर कई बार ऐसा दे देता हूँ, बिकॉज इससे अपने को एक वैरायटी मालूम पड़ जाती है, हो सकता है अपने को यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है लेकिन वहाँ पे एक ही ऑप्शन ना, आंसर एक ही आएगा, एक ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, बट यहाँ पे मैंने आपको वैरायटी देने के लिए कई बार दो दो ऑप्शन भी दे दिए। द ओल्ड ओक ट्री स्टूड टॉल एंड प्राउड, इट्स ब्रांचेस रीचिंग टूवर्ड्स द स्काई, Leaves rustled in the breeze, whispering secrets of time long gone. यहाँ पे क्या बोला गया, एक ओक ट्री है, लंबा है, बहुत ही बहुत सालों से वैसे का वैसे ही है, स्काई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कि उसके ब्रांचेस उतने बड़े हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो आसमान की तरफ जा रहा है, लीव्स जो है वो हवा की वजह से गिरते जा रहे हैं और ये जो हवाएं जा रही है, ये जो लीव्स गिर रहे हैं, ये आपको बताया जा रहा है, कुछ सीक्रेट्स बता रहा है अबाउट द टाइम लॉन्ग गॉन। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, बिकॉज ये पेड़ उतना जुना है ना, यहाँ पे बोला गया है कि सालों से वैसे ही खड़ा है, इसलिए ये सीक्रेट्स ऑफ टाइम्स लॉन्ग गॉन लिखा हुआ है। तो इसका लॉजिकली क्या आंसर होगा, देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ आंसर की तरफ। तो आंसर इसका होने वाला है बी ए सी डी, यानी कि इट्स ब्रांचेस रीचिंग टूवर्ड्स द स्काई, The old oak tree stood tall and proud. Leaves rustled in the breeze, whispering the times long gone. यानी यहाँ पे सबसे पहले branches के बारे में बताया गया कि branches बड़े हैं। अब branches बड़े हैं तो सीधी सी बात है कि मेरा पेड़ जो है वो भी बड़ा है। Next leaves breeze के वजह से rustled हो रहे हैं और उसका reason क्या है कि वो कहीं ना कहीं आपको secrets बता रहे हैं of the time that has been gone. Next देखते हैं। The stars twinkled overhead, illuminating the night sky. Cricket chirped in the darkness, serenading the sleeping world. अभी क्रिकेट्स क्या होता है, तो क्रिकेट्स जो क्रिकेट्स यार वो क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेट नहीं बल्कि एक इंसेक्ट होता है जो एक क्रपिंग वॉइस क्रिएट करता है रात में। अगर आप गांव वगैरह में जाते हो तो रात में ना एक अजीब सी आवाज़ आती है छोटी छोटी इंसेक्ट्स की, वो ये क्रिकेट निकालता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जैसे ही स्टार्स ट्विंकल होते हैं तो पूरा का पूरा जो स्काई है वो लाइट से भर जाता है, क्रिकेट अपना आवाज़ रात में निकालते हैं और इससे एक सोने वाले जो
क्या बोलते हैं, रात को लोग सो ही जाते, तो सोने के समय पे एक अच्छा माहौल क्रिएट हो जाता है कि ऊपर चमक रहा है, आजू बाजू से छोटी छोटी आवाज़ें निकल रही है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। तो इसको लॉजिकल वे में अगर हम करें तो क्या आ रहा है चेक करते। एक मिनट चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो वाला लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, वापस उसको बैक जाके करना पड़ेगा, उससे अच्छा कि हम यही डिस्कस कर लेते हैं। क्या है देखो, द जेंटल ब्रीज रसल्ड थ्रू द स्ट्रीट कैरिंग द सेंट ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स, बर्ड्स सैंग मेलोडीज फिलिंग द एयर विद म्यूजिक। यहाँ पर स्टार्ट ही करेंगे हम बी से, कैरिंग द सेंट ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स, सॉरी कैरिंग द सेंट्स ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स, द जेंटल ब्रीज रसल्ड थ्रू द ट्रीज, सी आ जाएगा बर्ड्स सैंग मेलोडीज फिलिंग द एयर विद म्यूजिक, मतलब कि वाइल्ड फ्लावर्स की खुशबू आ रही है, ब्रीज पेड़ से जा रहे हैं, बर्ड्स अपने गाना गा रहे हैं, और इससे जो पूरी की पूरी हवा है वो म्यूजिक से भर चुकी है। ये हो गया अपना रीजनिंग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन फेल फ्रॉम द स्काई रिफ्रेशिंग द पार्क्ड अर्थ अबव बिलो, थंडर रंबल्ड इन द डिस्टेंस अनाउंसिंग द अराइवल ऑफ स्टॉर्म। तो यहाँ पर आप गेस कीजिए क्या हो सकता है, बारिश के बारे में बात की है, उसके बाद अर्थ की बात की है, फिर थंडर की, और आखिरी में तूफान की। आपको चेक करना है क्या होगा यहाँ पर, तो आंसर है ए सी बी डी, यानी कि द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन फेल फ्रॉम द स्काई, सी हो जाएगा थंडर रंबल्ड इन द डिस्टेंस अनाउंसिंग द अराइवल ऑफ स्टॉर्म, लास्ट में आ जाएगा रिफ्रेशिंग द पास्ट ऑफ अर्थ बिलो आ जाएगा। क्या थंडर के वजह से क्या हो रहा है कि धरती जो है वो रिफ्रेश हो रही है, बिकॉज बारिश आ रहा है, थंडर आ रहा है, तो एक ठंडापन आ जाता है, और उसके बाद आखिरी में क्या आ जाएगा, जब ये थंडर और बारिश मिक्स हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक स्टॉर्म कहते हैं, एक तूफान कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लॉजिकल फ्लो आपका आ रहा है। द सन डिप्ड बिलो द होराइजन कास्टिंग अ गोल्डन ग्लो ओवर द लैंडस्केप, एज इवनिंग अप्रोच द स्काई ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कैनवास ऑफ वाइब्रेंट कलर्स, वी सैट इन द साइलेंस मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द सनसेट। यहाँ पे अपने को दिया हुआ है सन के बारे में कि जब वो सनसेट होता है तो जो होराइजन है उस होराइजन पे जब वो जाता है तो एक गोल्डन ग्लो क्रिएट हो जाता है। अपने देखा है बहुत बार सनसेट पे गोल्डन ग्लो आ जाता है। एज इवनिंग अप्रोच द स्काई ट्रांसफॉर्म इनटू कैनवास ऑफ वाइब्रेंट कलर्स, तो जैसे हो जाता है, जैसे 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 इवनिंग होती है तो कलर चेंज होते रहता है, ऑरेंज होता है, फिर उसके हिसाब से चेंज होते रहता है, रात में फिर एकदम ब्लैक हो जाता है। वी सैट इन द साइलेंस मेस्मराइज बाय द ब्यूटी ऑफ द सनसेट। तो लॉजिकली देखते हैं क्या जाने वाला है। तो पहले आएगा एज द इवनिंग अप्रोच्ड, जैसे शाम होती है, सी द स्काई ट्रांसफॉर्म इनटू कैनवास ऑफ वाइब्रेंट कलर्स, ए उसके बाद द सन डिप बिलो द होराइजन कास्टिंग अ गोल्डन ग्लो ओवर द लैंडस्केप, डी वी सैट इन द साइलेंस मेस्मराइज बाय द ब्यूटी ऑफ द सन। यानी यहाँ पे लॉजिकल फ्लो क्या हो गया कि जैसे ही शाम होती है तो जो स्काई है वो एक कैनवास बन जाता है, यहाँ पे बहुत सारे वाइब्रेंट कलर्स दिखते हैं, और इसी के टाइम पे सन जो है वो होराइजन के बिलो चला जाता है और जो भी लैंडस्केप होता है उसमें गोल्डन ग्लो ऐड कर देता है, और हमने ये बैठ करके ये ब्यूटी को देखा, महसूस किया। ये हो गया लॉजिकल फ्लो। टेंथ देखते क्या है, द फ्लेम्स डांस एंड फ्लिकर्ड कास्टिंग ईरी शेडोज ऑन द वॉल, इन द डार्कनेस द कैंप फायर प्रोवाइडेड वार्मथ एंड लाइट। कैंप फायर की बात चालू हो रही है तो फ्लेम्स डांस एंड फ्लिकर्ड ये हो गया, उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा द कैंप फायर प्रोवाइडेड वार्मथ एंड लाइट, क्योंकि फ्लेम्स और कैंप फायर में से ही आग निकलेगी, तो वो कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इन द डार्कनेस कास्टिंग एरी शेडोज ऑन द वॉल, डार्कनेस रहेगी तो ही शेडोज बनेगा, कहीं ना कहीं तो वो रिफ्लेक्ट होगा ना, और लाइट और डार्कनेस से ही एक शेडो क्रिएट होगी, तो यहाँ पर लॉजिकल फ्लो ऑफ ये अपना आंसर बन जाता है। आई होप आपको ये लेक्चर में मजा आया, आपने लेक्चर अच्छे से देखा, आपको समझ आएगी लॉजिकल फ्लो क्या होता है। चीजों को हिंदी में ट्रांसलेट कर दो क्या जाता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले इसके, ये 40 मार्क्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है, 3 मार्क के 4 मार्क के लिए आ जाता है, तो इतना इंपॉर्टेंस अपन इसको दे सकते हैं। क्या करना है अपने को, खाली हिंदी में ट्रांसलेट करना है, देखना है कि क्या हो सकता है, कॉमा के देखो, एर कॉमा फुल स्टॉप इस पर फोकस करो,
तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। और इसी प्रकार से इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये 10 क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं, ये आपको नोट्स में के फॉर्म में मिल जाता है। कहाँ मिलता है नोट्स के फॉर्म में? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ पे आपको ये फाइल्स फॉरवर्ड हो जाती है आफ्टर द लेक्चर। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होता है तुरंत ही टेलीग्राम पे आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो आप वहाँ से ये चीज़ें देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं। मैं उसको जल्द से जल्द एड्रेस करने का कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे टॉपिक्स काफ़ी हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिए, आप लाइन से प्लेलिस्ट देख सकते हैं, अपनी चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।